चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी की आज ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। देवरिया, वाराणसी और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां होंगी। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्व विधायक स्वराज रघुराज सिंह की मूर्ति का भी अनावरण करते नजर आएंगे। बाटपार रानी के बहीरपुर कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। बाटपा रानी के बहियारी बघेल कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज किस तरह से मिजाज होने वाला है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि आज ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ये रैलियां एक एक करके होंगी और किस तरह से जनसभा को साधने की कोशिश की जाएगी, कहां पर क्या लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आइए सुशील का रुख करते हैं। देखिए, आज तकरीबन दो दिवसीय दौरे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं और तकरीबन 12 बजे के आसपास वो गोरखपुर के सर्किट हाउस के पास पहुंचेंगे और वहां पे सबसे पहले माना जा रहा है कि वहां पे वो अपने पदाधिकारी और संगठन के लोगों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, इसको लेकर के वो समीक्षा कर सकते हैं। उसके बाद 12:30 बजे के आसपास वो बांस गांव में पहुंचेंगे और वहां पे जो है सांसद खेल स्पर्धा को लेकर के उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और खिलाड़ियों को जो है वो सम्मानित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद फिर वापस वो 4:30 बजे के आसपास गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे, जहां पे करोड़ों के लागत से बनने वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और फिर उसके बाद रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। तो ये पूरा उनका कार्यक्रम है और ये माना जा रहा है कि आज का दिन बेहद अहम है गोरखपुर के लिए भी और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी, जब वो गोरखपुर आ रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम एम्स और फर्टिलाइजर को लेकर के है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से समीक्षा की जा रही है। कल राधे मोहन ने भी उसको लेकर के समीक्षा किया था पदाधिकारियों के साथ और आज खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं कि तैयारियां क्या स्थिति है और कहां तक तैयारियां पहुंची हैं। जी, और कौन कौन उनके साथ इस रैली में मौजूद हो सकता है सुशील? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जब 12:30 बजे के आसपास बांस गांव में पहुंचेंगे तो वहां पे इनके साथ खुद केवल ये रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाकी वहां पे जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, बांस गांव के सांसद कमलेश पासवान रहेंगे, विधायक विमलेश रहेंगे और तमाम आसपास के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग रहेंगे वो अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए वहां पे मौजूद रहेंगे और साथ ही जो खिलाड़ी हैं, जो सांसद खेल प्रतियोगिता की जो है समापन है 28 को, उसको लेकर के वो तमाम जो है खिलाड़ी भी वहां मौजूद रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां जोरों पे थी और आज खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंच के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी जी सुशील, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।